तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये बर्जर का डिस्टेम्पर हमने लिया है और इसमें मैं आपको स्टेनर मिला करके इसकी कलर तैयार करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर कलर बीच में घट जाए, चूंकि आप आधे बाल्टी एक बाल्टी अगर कलर बनाते हैं उससे आपको पूरे घर की जो है वो रंगाई करनी होती है, लेकिन वो अगर पूरा नहीं हो तो दोबारा जब कलर बनाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारा शेड ना बिगड़े। क्योंकि आधे घर को अगर दूसरे कलर से कर देते हैं और शेड अगर गड़बड़ा जाता है तो आप समझ सकते हैं वो सही नहीं लगेगा। एक प्रोफेशनल के तरीके जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप स्टेनर की मिक्सिंग करेंगे ताकि हमारा जो पुराना वाला शेड था, पुराना वाला कलर था, वही कलर फिर से आ जाए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को थोड़ा सा ऊपर रखिए और मैं आपको बता दूं कि जब भी स्टेनर को डिस्टेंपर में मिलाना हो, सबसे पहले डिस्टेंपर को ऐसे जो बिना पानी के ही अच्छे तरीके से मिला ले, इसको बिल्कुल पहले स्मूथ कर ले और उसके बाद जो है वो इसमें पानी मिलाए। अब चलिए ये हमारा जो है वो स्मूथ हो चुका है कुछ इस तरह से। अब मैं इसमें जो है वो पानी मिलाऊंगा। दोस्तों अब पानी मिलाने के लिए हल्का हल्का जो है वो अंदाज से पानी आपको मिलाते जाना है, एक साथ आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं कर देना है और इसको अच्छे तरीके से मिलाना है। पानी जल्दी डिस्टेंपर में घुलता नहीं है, ये वाटर बेस्ड ही है, एक ऑयल बेस्ड भी आता है लेकिन हम मेरे पास जो है वो वाटर बेस्ड है, इसमें पानी ही मिलाया जाता है। और देखिए देखिए काफी अच्छे तरीके से आपको मिलाना है और इसकी थिकनेस इतना कर लेना है ताकि हमारा ब्रश सही तरीके से चल पाए। इसको बनाते समय सिर्फ यही सोचना है कि हमको इससे पेंट करना है, हमको इससे ब्रश से पेंट करना है। बस ब्रश हमारा चलने लायक हो जाएगा समझ लीजिएगा कि, और इसको जो है वो पानी नहीं डालना है या फिर ये गाढ़ा नहीं रहा। अभी देखेंगे, अभी काफी ज्यादा जो है वो थिक है तो अभी और इसमें पानी मिला लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। बहुत से लोग जो है वो सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अरे क्यों नहीं कर पाइएगा, जो भी पेंट करते हैं सभी इंसान ही रहते हैं, आप भी इंसान हैं। जितना हो सके दोस्त आज के जमाने में पैसे की बचत कीजिए, खाली समय का उपयोग कीजिए, दोनों काम इससे होता है। एक तो पैसे की बचत होती है, खाली समय का उपयोग कर लेना आज के समय में बहुत बड़ी कामयाबी होती है दोस्त। बहुत से लोग जो है वो सही जगह पे समय खर्च नहीं कर पाते हैं, तो आप थोड़े से जो है वो स्मार्ट बनिए और अपना काम खुद से करने का प्रयास कीजिए। ये देखिए ये अब उस तरीके से उस ढंग में आ चुका है। मैंने अंदर की पेंटिंग कर ली है, आपके लिए वीडियो भी डाल दिया था चैनल पे, और ये मैं एक्सटीरियर का पेंट बना रहा हूँ। वो भी इसको मैं बाहरी की दीवारों पे लगाऊंगा, अंदर में मैंने फास्ट येलो ग्रीन कलर दिया था और काफ़ी अच्छा काफ़ी सुंदर कलर है। कभी उसको मैं दिखाऊंगा आपको, मेरे चैनल पे आप देखेंगे तो वो भी अपलोडेड है, उसको भी देख सकते हैं कि फास्ट ग्रीन हमने किस तरह से बनाया था। और थोड़ी ही देर में मैं बॉर्डर वाला कलर भी आपको बनाऊंगा और आपके लिए अपलोड करूंगा ताकि आपको हर चीज़ की जानकारी मिले। आप वॉल कर लेते हैं, बॉर्डर कर लेते हैं तो और कुछ बच नहीं जाता है। ये देखिए और भी थोड़ा ठीक है, मैं इसमें और थोड़ा सा जो है पानी मिला देता हूँ। ये देखिए अब हमने जो है वो इसे और ढीला कर लिया है और इसको मिलाने के बाद में अब चलिए मैं आपको इसमें कलर मिलाता हूँ। जो मेन काम रहता है, बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, वो कलर मिक्सिंग में ही होती है। ये सब तो आसान काम था, ये सब हमने कर लिया है। ये देखिए अब ये जो पेंट करने के लिए तैयार है। कलर मिलाने के लिए चलिए सबसे पहले तो स्टेनर है उसको खोल लेते हैं। ये फास्ट येलो है और बस एक मिनट दीजिएगा, हाथ साफ कर लेता हूँ। स्टेनर को इस तरह से हाथ में लेना है, ठीक है, और इस तरह से इसमें मिला देना है, पूरी अच्छे तरीके से मिलाए। एक ही बार आपको ज़्यादा स्टेनर नहीं मिलाना है, आपको थोड़ा सा डाल करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि आपको अंदाजा लगता रहे कि ये हमारा कलर किस तरह से बन रहा है। दोस्तों अब हम देख पा रहे हैं इसका कलर तो आया है लेकिन पूरा कलर नहीं आया है। फास्ट येल्लो हमने दिया था लेकिन ये बिल्कुल लाइट येलो आया है। और थोड़ा सा जो है इसमें मिक्स करते हैं, थोड़ा थोड़ा कलर ही आपको मिलाने हैं।
एक साथ आप दे दीजिएगा, अगर कलर कम रहेगा तो फिर आप उसमें दोबारा मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कलर अगर हो जाएगा तो उसमें थोड़ी सी जो है परेशानी होती है, और फिर उसमें डिस्टेंपर वगैरह पानी वगैरह मिलाना होगा, और फिर लंबा चौड़ा झंझट है। इससे अच्छा है कि आप एक ही बार में ना डालने के बजाय धीरे धीरे करके दो बार तीन बार में आप डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा कलर जो है वो अब तैयार होने लगा है, और थोड़ा सा इसमें मैं जो है वो कलर मिलाने वाला हूँ। दोस्तों पहली बार जब आप कलर मिलाते हैं तो ध्यान रखिए कि आप इस तरह से कुछ कलर मिलाएं ताकि दूसरे बार भी जब आप पेंटिंग करें तो आप जो है वो उस कलर को मैच कर पाए। बहुत ज़्यादा लाइट रहता है तो उसको मैच करना बहुत मुश्किल रहता है, जितना गाढ़ा होते जाता है उसको मैच करना उतना ही आसान होते जाता है। कुछ इस तरह से है दोस्तों। अब हमने जो है वह कलर मिक्स कर ली है, और अगर आप दोबारा कलर बना रहे हैं उसका यही तरीका होता है कि जो आपका कलर पहले से बना हुआ है, अगर मान लीजिए ये मैं कलर कर रहा हूं घर में और थोड़ी सी जब कलर बचती है हमको ऐसा लगता है कि अब दोबारा कलर बनाना होगा, थोड़ा सा सैंपल पहले से जो है वो निकाल करके रख लेते हैं, वो कलर रखा हुआ ये सैंपल है ठीक है, और अभी जो कलर बनाते हैं उसको भी जो है वो उसी के बगल में इस तरह से जो है वो गिराइए, और आप जो है वो दोनों में पहले कंपेयर कीजिए कि कौन लाइट है कौन डार्क है ठीक है, और ये अगर लाइट रहे धीरे धीरे हल्का हल्का कलर मिलाते मिलाते इसके लेवल पे ला दीजिए, जब आपको लगे कि दोनों में कोई फर्क नहीं है तो आप समझ लीजिए कि कलर बन चुका है, उसको आप दीवार में लगा सकते हैं, आपका सेट जो है वो नहीं गड़बड़ाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से जो है वो दोबारा कलर किस तरह से बनाते हैं, पहली बार किस तरह से बनाते हैं, दोनों ही टॉपिक मैंने इस वीडियो में जो है वो क्लियर कर दी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय मैकेनिकल। धन्यवाद दोस्तों।